सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर्ण मधु के बारे में। जी हाँ साथियों, स्वर्ण मधु के फायदे कौन कौन से हैं, स्वर्ण मधु का सेवन किस प्रकार किया जाता है, स्वर्ण मधु को लेते समय कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले जान लेते हैं स्वर्ण मधु के फायदे के बारे में। साथियों, स्वर्ण मधु का सेवन मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी वह हृदय की कमजोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, जिन लोगों को सिर में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, सिर का दर्द बहुत पुराना है, आधा सीसी का दर्द है, जिन लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है, उलझन सी पैदा होती है, भ्रम पैदा होता है, तनाव रहता है, अनिद्रा की शिकायत है, ठीक तरह से नींद नहीं आती है, भूलने की बीमारी है, याददाश्त बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उन लोगों के लिए स्वर्ण मधु सिरप बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, इसके अलावा जिन लोगों को हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, हाथ पैरों में भड़कन होती है, चक्कर सा आता है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, थकावट महसूस होती है, उन लोगों के लिए स्वर्ण मधु सिरप बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, स्वर्ण मधु के नियमित इस्तेमाल से शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी वह हृदय की कमजोरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथियों, जिन लोगों को घबराहट रहती है, हृदय की कमजोरी है, उन लोगों के लिए भी स्वर्ण मधु सिरप बहुत ही फायदेमंद है। स्वर्ण मधु के नियमित इस्तेमाल से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वह शरीर हष्ट पुष्ट वह तंदुरुस्त रहता है। तो चलिए साथियों, अब जान लेते हैं कि स्वर्ण मधु का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। साथियों, बड़ों के लिए 15-15 ml दवा सुबह शाम खाने के करीब आधा घंटा बाद पानी या दूध के साथ सेवन करें। साथियों, बच्चों के लिए 5-5 ml दवा सुबह शाम खाने के आधा घंटा बाद दूध या पानी के साथ सेवन करें। साथियों, इस दवा को लेते समय तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, मांसाहारी पदार्थ वह नशीले पदार्थों का परहेज करें। अगर साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।